एक हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या किसी भी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या आपको रेस्ट करना चाहिए या आपको एक्टिव रहना चाहिए, आपको ज्यादा चलना चाहिए? ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। सर्जरी के बाद कई लोग बिल्कुल ही बेड रेस्ट में चले जाते हैं और कई लोग जिनको दर्द में काफी आराम मिल जाता है वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सजेशन रहता है कि आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा आपके सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट इसलिए किया जाता है कि जो आपका लाइफस्टाइल, जो एक्टिविटी लेवल घट गया है या आप सिडेंटरी हो गए हैं, आपको पेन से रिलीफ कराकर वापस एक्टिव कराया जा सके। तो होल पर्पस ही है कि आप अपनी सर्जरी के बाद चलें और एक्टिव रहें। पर आपको शुरुआत के समय यह भी ध्यान रखना है कि कहीं इस एक्टिविटी करने के चक्कर में कहीं आप गिर नहीं जाए, आपको कोई चोट नहीं लग जाए, आपका बैलेंस ना बिगड़ जाए। आपको अपने नए जॉइंट की आदत बनाने के लिए कुछ समय उसको देना पड़ता है। तो मेरा अपने पेशेंट्स को सलाह रहता है कि आप इमीडिएट आफ्टर सर्जरी घर में आप चलना फिरना शुरू करें। आप एक सेफ्टी के लिए जो भी आपको डिवाइस ऑफर किया गया है, चाहे वॉकर हो चाहे स्टिक हो, उसको इस्तेमाल करें। आप ऐसे घर के जगह जहां पर आपको लगता है कि जहां एक्सेस करना मुश्किल हो उसको अवॉइड करें। सीढ़ी चढ़ने से पहले अपने सर्जन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक बार सलाह करें और उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज शुरू करें। जब एक बार आप घर में एक्टिविटी अपना कंफर्टेबल हो जाइएगा, तब उसके बाद ही फिर आप बाहर निकलने का प्रयास करें। बाहर निकलने में भी आपको इनिशियली भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करना पड़ेगा और जो जगह जहाँ समतल जमीन है यानी कि फ्लैट सर्फेस है उसी जगह जाना होगा। उबड़ खाबड़ रास्ते या जिनमें पत्थर या गड्ढे हों उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट्स के बैलेंस में भी कई बार परेशानी होती है, तो ऐसे में आपको कोई मेजर रिस्क या मेजर इंजुरी से बचना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और यू विल हैव अ वंडरफुल आउटकम ऑफ योर नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। थैंक यू।